हेलो हेलो टू ऑल। आज मैं आपको सौंदर्य शास्त्र के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सौंदर्य एवं कला दोनों के बीच क्या संबंध है। इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सौंदर्य, जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, कि एक सुखद अनुभूति है, उसे हम कहते हैं सौंदर्य। सौंदर्य जो है उसको हम कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और सौंदर्य कलाकृति के अंतर्गत होता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सौंदर्य एवं कला। कलाकृति जो है वो कलाकार का कृतित्व है, यानी कि कलाकार की रचना जो है वो कला है। कलाकृति के अंतर्गत ही सौंदर्य विद्यमान है। हम ये भी कह सकते हैं कि सौंदर्य जो है वो कला नहीं है, अपितु सौंदर्य कलाकृति का गुण है। क्योंकि कलाकृति जब हम देखते हैं तभी हमें सौंदर्य की अनुभूति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कलाकृति जो है वो उसके अंतर्गत सौंदर्य अभिव्यक्त होता है। कलाकृति कलाकार का कृतित्व है और कला जो है वो एक प्रक्रिया है, यानी कि हम जिस रचना का हम अध्ययन कर रहे हैं, हम जो रचना बना रहे हैं, उसके अंतर्गत एक कलाकृति का निर्माण होता है। तो इसलिए कला जो है वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही रूप अभिव्यक्त होता है। अच्छा, इसलिए हमें कह सकते हैं कि सौंदर्य कला नहीं है, अपितु वह कलाकृति का गुण है। कला का सौंदर्य जो है वो अभिव्यक्ति का सौंदर्य है, अभिव्यक्ति जो कलाकार की रचना है। और इसी के साथ साथ ही कला कलाकृति वह सौंदर्य का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सौंदर्य जो है वो कलाकृति के अंतर्गत अभिव्यक्त होता है। इसलिए कला का सौंदर्य कलाकृति का सौंदर्य है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला कलाकृति वह सौंदर्य आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। और कला जो है वो मानव सृष्टि है, यानी कि कला की रचना मानव कर रहा है। इसलिए कला जो है वो एक मानव रचित है। सौंदर्य सृष्टि का आवश्यक तत्व है। सौंदर्य सृष्टि का आवश्यक तत्व है क्योंकि सृष्टि के अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य भी विद्यमान है। अब यहाँ हम सौंदर्य के दो भेद हमें दिखाई देते हैं, एक सृष्ट और एक असृष्ट। सृष्ट जो है वो मानव कृतित्व का सौंदर्य है, इसे हम कला मूलक सौंदर्य की संज्ञा देते हैं। दूसरा है असृष्ट सौंदर्य। जो असृष्ट सौंदर्य है वो मानव की सृजन शक्ति से परे है, इसे हम निसर्ग या प्रकृति का सौंदर्य भी कह सकते हैं। तो सौंदर्य जो है वो सृष्टि का आवश्यक तत्व है और कला जो है उसको मानव ने जन्म दिया है, और प्रकृति का सौंदर्य जो है वो ईश्वर कृत है। लेकिन प्रकृति को जब कलाकार अंकित करता है तो वो कला के अंतर्गत आ जाता है और वो कला के अंतर्गत आ जाता है और वो सौंदर्य का एक गुण बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौंदर्य कृति का वह गुण है जो सहृदय कला दृष्टा को आकर्षित कर उसे आनंद प्रदान करता है। अर्थात कला दृष्टा जिसने कलाकृति से आनंद ग्रहण किया है, चाहे वो नाट्य कला हो, काव्य कला हो, संगीत कला हो, मूर्ति कला हो, चित्र कला हो, इन ललित कलाओं के माध्यम से जब वो आनंद की अनुभूति करता है तो वह एक सहृदय कला दृष्टा हो जाता है।
तो कला का जो देखने का ढंग है वो दृष्टा के ऊपर निर्भर करता है। सौंदर्य अनुभूति होती है वो भी कला दृष्टा को होती है। तो कला दृष्टा को जब कलाकृति अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे जो आनंद की अनुभूति होती है वो ही सौंदर्य है और वो ही रस है। इस प्रकार कला का सौंदर्य अभिव्यक्ति का सौंदर्य है। कलाकृति और सौंदर्य में घनिष्ठ संबंध है और कला एक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रस की अनुभूति जो होती है वो दृष्टा को होती है और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर व्यक्ति को अच्छी लगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौंदर्य जो है वो कलाकृति का गुण है जो कलाकार द्वारा रचित कलाकृति में उत्पन्न होता है और दृष्टा को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम आनंद की अनुभूति कहते हैं। थैंक यू।